हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 7, मोशन, फोर्स एंड वर्क, साइंस चैप्टर नंबर 7। तो फिर इधर हमको कुछ इमेजेस दिखाई हुई है और वर्क मतलब इसमें सब में काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। इसमें ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है, घास खा रही है काओ, ये सामान उठा के लेके जा रहे हैं, इसमें खाना बन रहा है, तो इसमें सब में काम हो रहा है। हमको इधर एक क्वेश्चन पूछा है कि मोशन क्या होता है। मोशन मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे से मतलब दूसरी पोजीशन पे जाता है, दूसरे पॉइंट पे जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। What causes a change in motion? मतलब कि मोशन में चेंज कैसे होता है। जैसे सपोज एक फुटबॉल है, एक इधर ये बॉल है और इसको मैंने अगर ऐसे कोई फुटबॉल प्लेयर उसने इधर से लात मारी, फिर फुटबॉल किधर और जाएगी, फिर किसी और ने इधर से लात मारी तो फुटबॉल इधर आएगी, तो फिर ये जो लात मारी फुटबॉल को वो क्या है, फोर्स है। तो मोशन में चेंज होता है फोर्स की वजह से। और मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फोर्स, मतलब फोर्स की वजह से चेंज होता है। जैसे इधर एक बॉल रखी है, उसको मैंने इधर से धक्का दिया, टेबल पे रखी है एक बॉल, तो फिर वो इधर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी, तो उसका मोशन चेंज हुआ ना। वो एक पहले ऐसे रेस्ट पे थी, फिर उसका मोशन चेंज हुआ, किसकी वजह से, क्योंकि मैंने उसको धक्का लगाया और वो एक फोर्स था। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऐसे हिंदी में बता देती हूँ, डिस्टेंस मतलब अगर सिंपल में बोलेंगे ना, दूरी कितनी, तो फिर और मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के वीडियो साइंस शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में डाला है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर भी समझा दूँगी क्योंकि बुक में लिखा है। तो फिर डिस्टेंस मतलब कि लेंथ दो थिंग्स के बीच की, जैसे इधर एक बॉल है और इधर एक बॉल है, तो दो थिंग्स पर्सन या प्लेस, दो प्लेस की बीच की लेंथ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। सपोज ये बॉल का नाम है ए और ये बॉल का है बी, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअल पाथ। और डिस्टेंस में बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस होती है, मतलब पहले ऐसे राइट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर सीधे गए, फिर राइट लिया, ऐसे टर्न्स लेते हैं ना हम लोग किधर भी जा रहे होते हैं, तो फिर वो एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में। सपोज पहले हमने ऐसे मार्केट जाना है, तो हम लोग इधर से राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर सीधे गए, फिर राइट लिया, फिर हम लोग मार्केट में पहुंच जाएंगे। तो फिर वैसे डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में होता है एक ही सीधे एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो लिखा है ना अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे ऊपर नीचे वाली लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। तो फिर स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होता है, सीधे सीधे चले गए। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग वो नहीं डायरेक्शन नहीं बता सकते ना। सपोज डिस्टेंस, सपोज मैं पहले ऐसे गई, फिर ऐसे सपोज ये मेरा पाथ है एक जगह पे जाने का, तो फिर इसमें मैं डायरेक्शन नहीं बता सकती हूँ कि डायरेक्शन क्या थी, क्योंकि पहले ऐसे गए हैं, फिर इसमें राइट गए हैं, फिर लेफ्ट लिया, फिर सीधे गए ऐसे, तो इसमें हम लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते। सिर्फ हम लोग बता सकते हैं कि कितना
कितना मीटर ट्रैवल किया वो ही बता सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो एक जगह से सीधे सीधे चले गए तो बोल सकते हैं नॉर्थ में गए हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे के ऊपर हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे कि एक लड़का है, उसका घर यहाँ पे है, उसको स्कूल जाने के लिए उसने ये वाला पाथ लिया है, तो फिर ए से डी है स्कूल उसका, तो फिर एक्चुअल पाथ मतलब वो पहले इस डायरेक्शन में गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो एक ही लाइन में एक ही सीधे सीधे डायरेक्शन में चला गया स्कूल, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो फिर हमने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वेलोसिटी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Velocity is the distance traversed by a body in a specific direction in unit time. तो एक specific direction में particular time में जो distance travel किया उसको बोलते हैं, इधर specific direction mention किया है और specific direction मतलब displacement हमने देखा एक ही direction में, तो फिर displacement कितना एक particular unit time में travel किया। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, एम के सिस्टम मतलब मीटर किलोमीटर सेकंड, और ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो फिर दोनों में सिस्टम इंटरनेशनल और मीटर किलोमीटर सेकेंड वाले सिस्टम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का यूनिट सेम होता है मीटर, मीटर उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी की फॉर्मूला हमने देख ली, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमको जिसका भी यूनिट फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो भी क्वांटिटीज़ है मतलब सपोज स्पीड का फाइंड करना है हमको यूनिट, तो फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे उसकी। स्पीड की फार्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर इनमें जो जो क्वांटिटीज़ है डिस्टेंस क्वांटिटी है टाइम क्वांटिटी है, तो इनका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर, हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, और टाइम का हमको पता है सेकेंड होता है, तो फिर मीटर अपॉन सेकेंड, तो हम लोग इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। और सेम वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, तो दोनों का यूनिट सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर्स पर सेकेंड। अभी ये जो फिगर दिया था इस पर हम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको इसमें रंजीत की स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी भी निकालनी है, मतलब वेलोसिटी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे और स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, मतलब ये जो रेड से मार्क किया है, क्योंकि स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि इधर ये जो इधर मिनट्स दिए ना इनको कंसिडर करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा, और स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम लोग वही टाइम लेंगे कंसिडर करेंगे। तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक वाइट स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो मैं आपको वाइट स्क्रीन पे करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम मैं आपको बता देती हूँ कुछ कुछ उसमें डायग्राम में जो दिए हैं कि ये ए से बी है सी और ये डी, ये उसका स्कूल है इधर, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, जो लाइन बनाई है ना मैंने इसे मैं इसको डैश डैश वाली बना देती हूँ। हाँ, तो ए से बी हमको दिया है कि ये 500 मीटर है, ये 700 मीटर है और 300 मीटर है, फिर 500 मीटर उसको ट्रैवल करने के लिए लगे 8 मिनट्स,
700 के लिए उसको लगे 11 और 300 के लिए उसको लगे 6 मिनट्स। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला। मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है पहले से ही। तो स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको स्पीड ढूंढना है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है 500 प्लस 800, सॉरी प्लस 700, 700 प्लस 300, क्योंकि उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो फिर उसका जो मतलब ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 1500 meters। तो हमको डिस्टेंस मिल गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है हमको अभी मिला 1500 meters अपॉन टाइम। हमको ऐड करना है 8 मिनट्स प्लस 11 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स, आंसर आएगा 25 मिनट्स। टोटल टाइम है 25 मिनट्स, ये मीटर और ये मिनट्स है। तो फिर हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 25 1 ज़ा 25 और 25 के टेबल में 150 आता है, 6 ज़ा और ये 0 एज इट इज 60। तो हमारा आंसर आएगा 60 meters अपॉन 1 मिनट। 1 मिनट आया ना, फिर 1 मिनट में हमको पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, इसके लिए हम लोग अभी लिखेंगे 60 meters अपॉन 60 seconds, क्योंकि हमने देखा ना ऊपर कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वो जो भी यूनिट था ना स्पीड और वेलोसिटी का, तो मीटर अपॉन सेकेंड। फिर ये दोनों को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, 60 1 ज़ा 60 60 1 ज़ा 60, तो 1 meter per second, 1 meter per second मतलब हर सेकेंड में वो 1 meter उसका स्पीड था। वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा, वेलोसिटी का वो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो डैश डैश वाली लाइन है उधर आप देख सकते हैं 1000 meters लिखा है। तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन टाइम, हमको मिला था 25 मिनट्स हमको मिला था ना ऐड करके, फिर से 25 से डिविजिबल है, इधर मिनट्स है और इधर मीटर है, 25 1 ज़ा 25 40 ज़ा, तो आंसर आएगा 40 meters अपॉन 1 मिनट। फिर से हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 40 meters अपॉन 60 seconds हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट 60 seconds होता है ना। फिर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे मतलब ऐसे 4 divided by 6, ये 0 0 कैंसल, फिर 4 divided by 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.66 meters per second, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी का। रंजीत ने स्ट्रेट रूट नहीं लिया, मतलब ए से डी वाला रूट नहीं लिया, और उसने मतलब दोनों के लिए दोनों के लिए उसने मतलब डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम रूट नहीं लिया ना उसने, इसके लिए उसका डिफरेंट आया 1 meter per second और 0.66 meter per second आया। और उसने ए से डी वाला ये स्ट्रेट रूट से गया होता तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता। हम लोग इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें दिया है कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो सकता है जब भी वो एक स्ट्रेट पाथ से मूव कर रहा है। इधर एक ट्रक है और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी और इधर सी लिख देती, तो फिर पॉइंट ए से बी उसने 5 meter per second किया, मतलब 5 meter per second किया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बी से सी 2 meter per second करे, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है।
तो फिर इधर एग्जांपल दिया है कि सपोज एक ट्रक है वो 40 किलोमीटर कवर कर रहा है ऐसे डी तक, 40 किलोमीटर, और उसको लग रहा है 1 घंटा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है और टाइम है 1 आवर. 40 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो फिर इसका मतलब कि उसकी स्पीड है, सॉरी उसकी एवरेज वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर. एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो फिर अभी तो लिखा है कि अगर उसको एक हाँ अगर ट्रक को 10 किलोमीटर 10 मिनट में उसने कवर किया, ये जो इधर लिखा है 10 किलोमीटर इधर 10 मिनट में, फिर 20 किलोमीटर, हाँ ये फिर बी से सी उसने किया 20 मिनट्स में और ये 30 मिनट्स में, तो फिर उसका वेलोसिटी ए से बी होगा 10. वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो फिर वेलोसिटी है इतनी 10 किलोमीटर और टाइम हमको बताया 10 मिनट, तो फिर 10 मिनट, तो फिर सबसे पहले हम लोग इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर 10 × 60 तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नीचे कर रहे तो ऊपर भी करेंगे किलोमीटर, 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट्स, तो फिर किलोमीटर पर आवर, 60 मिनट्स 1 आवर होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर उसको लगेगा ए से बी ट्रैवल करने में. मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है, इधर लिखा है हमको दिया है कि वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में हमको फाइंड करना है, हमको बताया हुआ है. अभी डिड्यूस मतलब फाइंड होता है, नाउ डिड्यूस हमको भी वही फाइंड करना है बी सी और सी डी. तो फिर ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं. किलोमीटर पर आवर में हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल, तो एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ही है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है. इंस्टेंटेनियस मतलब कि क्या होते हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन है कि जो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे है, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट है, मोमेंट टाइम का, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं. मतलब पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर एक टाइम है उस पे उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि उसका जो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है. हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा. इसके लिए इससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.